ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैसे उसका पूरा स्टोरी स्टार्ट हुआ, दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो क्लास 9 में करता था उसके साथ, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था, और जब मैं क्लास 9 में उससे पहली बार मिला था तब से उसका सपना था आईआईटी बॉम्बे में जाने का। तो उस वक्त में जब वो था तब से वो रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था जब वो 9th में था, तो आप सब समझ सकते हैं कि कितना अच्छा था उस समय। और जब भी उसको कोई डाउट होता था तो हमेशा अक्षय सर से पूछता था, ललन सर, अक्षय सर या फिर ललन सर, इन सबसे गाइडेंस लेता था। और मतलब हम हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनती था तो वो आरोहणी था। तो फैमिलियर होंगे आप लोग भी टॉपिक से, क्लास 10 के अंदर उसका काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इतना टॉपिक उसका एकदम इरुडोव और एच सी वर्मा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका कंप्लीट हो गया था फिजिक्स में। क्लास 11 के बाद एक टेस्ट सीरीज में बैठा था वो फिटजी का, उसमें उसका ऑल इंडिया रैंक 1 था, और एलन का भी टेस्ट सीरीज में बैठा था उसमें भी उसका ऑल इंडिया रैंक 1 था। एलन का फ़ोन आया उसके पास कोटा से, मेरा एक टीम है गुवाहाटी एलन का नहीं, कोटा एलन का टीम आपसे जाके मिलेगा, 10 मिनट के लिए मिलेगा बस आपसे, प्लीज़ 10 मिनट के लिए मिल लीजिएगा उससे। नो, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई टीचर्स, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई 10 मिनट्स। ट्रेन इतनी बड़ी है, कभी सोचा है इतनी छोटी सी पटरियों में कैसे चलती है? उसमें कोफिशेंट ऑफ कपलिंग लगता है, दो लोग मिल के एक दूसरे को म्यूचुअल इंडक्शन देते हैं। तो आप जो है ये बदमाशी करने में म्यूचुअल इंडक्शन मत करिए, एक दूसरे को सिखाइए, अगर किसी को कम आता उसको सिखाइए, आपकी चीज़ तो परफेक्ट होगी ही होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।